हमीरपुर जनपद में आज भी छुआछूत जैसी प्रथा कायम है, जिसकी एक बानगी देखने को मिली है। बता दें कि क्षेत्र के इमलिया गांव में जहां पर ग्रामीणों द्वारा एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं यज्ञ समिति के सदस्यों ने एक तोगल की फरमान जारी कर दलित बसोर वाल्मीकि धोबी श्रीवास समाज के लोगों से सहयोग नहीं लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे दलित समाज के लगभग 400 से अधिक लोगों ने जिला अधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर हिंदू समाज से अलग होकर दूसरे धर्म अपनाने की अपील की है। बनेगा वो उच्च जाति के लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। एक ही फट्टे पर बैठकर ब्राह्मण और एक ही फट्टे पर बैठकर अहिरवार और वाल्मीकि भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, हमारे गांव में एक जमादार है, तो जमादार पूरे गांव की पत्तल उठाता है, तो जमादार को हमारे गांव के वाल्मीकि समाज वाले लोग बुलाते नहीं है, कहते हैं ये हमसे निचली जाति का है, तो जमादार उनके पत्तल नहीं उठाता, ये उनका निजी मामला है। इसको यज्ञ में वो बहुत भोले भाले हैं, जैसे श्रीवास समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, ये दलित भाई हमारे बहुत गरीब और बहुत भोले भाले हैं, इनको जो स्वयं हिंदू नहीं है, कुछ बौद्ध धर्म के लोग इसको चिंगारी दे रहे हैं, और वो खुद समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका लक्ष्य 22 तारीख को राम मंदिर की डेट को में विध्वंस मचाना है। उनका लक्ष्य यज्ञ नहीं है, उनका लक्ष्य है कि वो हमेशा धर्म परिवर्तन में लगे रहते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनका लक्ष्य है कि 22 तारीख को सरकार के मुंह पर तमाचा मारा जाए। माननीय योगी जी की सरकार हमारे जो प्रदेश में चल रही है, वैसे